तगड़ा तो मोदी भी है वो, लेकिन वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। मुझे तो नहीं लग रहा कोई काम कर रहे हैं, वो तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। रिजर्वेशन में ये बताओ, आरक्षण दे दिया तो महिलाओं की सुरक्षा कहाँ हुई? तो राम राज्य में ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ, जो कि नाबालिग होती है, बच्चों के साथ, उनके साथ रेप होता है। योगी मोदी जी इस बात को कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाने भेजते हैं तो बेटी को बचा नहीं पाते, जब बेटी को बचाते हैं तो बेटी को पढ़ा नहीं पाते, तो ये कैसी विकास है ये तो बताओ मुझे। योगी जी कहते हैं कि नाबालिग बच्चियों के साथ में रेप किया जाता है इस देश में, इस तरीके से कानून व्यवस्था ठीक हो रही है। बहुत अच्छी बात है, घर की बेटियां जो है सोने से नहीं खून से लथ करके जा रही है, खून से लथ करके सोने, क्योंकि मीडिया इस चीज को तो दिखाएगी नहीं, वो तो केवल पाखंडवाद को दिखाएगी, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री को ये देशभक्ति है उनकी कि किसी महिला को देख करके वो ये कहते हैं अगर उसकी मांग में सिंदूर है कि वो प्लॉट रजिस्टर है। एक वीडियो में उसने खुद कहा है कि मैं बाबा नहीं हूं ढाबा हूं, तो मजाकिया अंदाज में वो लोगों को चूतिया बना रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर संविधान बचाओ का जो है जन आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोनू आज़ाद, नाम में आज़ाद है, उसी बुलंदी के साथ ही अपनी आवाज़ भी रखते हैं उसी आज़ादी के साथ। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश विकास हो रहा है, देश में 9 सालों के काम गिना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, देखिए विकास को आप एक साइड में रख दीजिए, अभी मैं हाल फिलहाल की बात करूंगा। विकास को तो अपने घर वाले खुद ही देख लेते हैं, लेकिन अपनी बहन बेटियों को कैसे बचाएं? योगी मोदी जी इस बात को कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाने भेजते हैं तो बेटी को बचा नहीं पाते, जब बेटी को बचाते हैं तो बेटी को पढ़ा नहीं पाते, तो ये कैसी विकास है ये तो बताओ मुझे। लगातार के रेप केसेस होते जा रहे हैं आपके अंबेडकर नगर में, आगरा में, अलीगढ़ में, अभी उन्नाव में देखो हुआ है, तो क्यों कैसे विकास है ये? उन्नाव जिला है, उज्जैन में भी हुआ है जी, तो ये कैसा राम राज्य है? राम राज्य। अच्छा, तो राम राज्य में ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ, जो कि नाबालिग होती है, बच्चों के साथ, उनके साथ रेप होता है। आप ऐसा कहने की कोशिश कर रही हैं? योगी जी कहते हैं कि नाबालिग बच्चियों के साथ में रेप किया जाता है इस देश में, इस तरीके से कानून व्यवस्था ठीक हो रही है। यूपी इतना सुरक्षित है कि सोने से लद के जाओगे तो। बहुत अच्छी बात है, घर की बेटियां जो है सोने से नहीं खून से लद करके जा रही है, खून से लद करके क्या कहोगे सोनू आजाद, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? बहुत अच्छी बात है, देखिए हिंदू राष्ट्र बाद में बनाएंगे, पहले हमारी जो घर की बेटियां हैं उनको सुरक्षित बनाएं। मोदी जी का जो है दावा, राष्ट्र बनेगा सब अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे, कैसे हो जाएगा? मुझे तो अभी से लग रहा है कि लगातार 80 से ज्यादा केसेस एक हफ्ते में हो रहे हैं, उससे ज्यादा फिर 200 केसेस हो जाएंगे, तब वो करेंगे इस चीज को। प्रतिदिन 87 रेप केसेस आते हैं देखा जाए, पूरा आंकड़ा सा बिल्कुल, एक दिन में 87 रेप केस होते हैं। मैंने तो कमी बोला है, लेकिन आप तो मतलब वैसे भी मान लीजिए कि हाँ ज्यादा है, डेफिनेटली है, लेकिन आप इस चीज को देखिए कि लगातार, क्योंकि कुछ केसेस तो मीडिया दिखाती नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगा भैया कि ये मीडिया जो नहीं दिखाती है कोई दिक्कत नहीं है, क्या ये मोदी सरकार इस चीज को देखती है कि उनकी जो रेप केसेस होकर के उनका ये विकास हो रहा है? वो काम तो कर रहे हैं ना महिलाओं के लिए, काम कहाँ से कर रहे हैं मुझे बताइए, काम गिना दो मुझे, क्या काम कर रहे हैं? तो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, काम क्या गिना रहे हैं, रेप करवा रहे हैं, ये काम हो रहा है? सरकार रेप थोड़ी करवा रही है, सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है। बचा तो सकती है, एक भी महिला सुरक्षित नहीं बच रही है इस समय, बताओ मुझे आप। कितने तगड़े कानून है उत्तर प्रदेश में, अरे तगड़े, देखो भैया ऐसा एंटी रोमियो योगी आते हैं, एंटी रोमियो चला रहा है, तगड़ा तो मोदी भी है वो, लेकिन वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, ये समझिए ना आप इस चीज को। मोदी काम कर रहा है कि नहीं बताइए, क्या काम कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कोई काम कर रहे हैं, वो तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बिल पास करवा दिया, काम ही नहीं। ओ भाई साहब, फर्जीवाड़ा है ये, कौन सा है भैया यार, ये एक बात समझ में नहीं आती, मीडिया वाले यही सवाल क्यों पूछते हैं कि रिजर्वेशन ला दिया, रिजर्वेशन में ये बताओ आरक्षण दे दिया तो महिलाओं की सुरक्षा कहाँ हुई, कहाँ है सुरक्षा ये तो बताओ मुझे। सुरक्षा के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं, जो भी ऐसे आतंकवादी लोग हैं उन पर काम चल रहा है, कहाँ काम चल रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है, मुक्त करा दिया आतंकवादियों से, मुक्त करा दिया। जिस समय किसी उसका क्रिमिनल का एनकाउंटर होता है, उसी जगह उसी बाद में दो लोग और मतलब हत्या कर देते हैं, फिर दो केसेस और आ जाते हैं, क्या ऐसे डोजर चल रहे हैं, सब लोगों को हटाया जा रहा है जो भी आतंकवादी हैं। अच्छा, उनको हटाया जा रहा है, अब मैं आपको बता दूं, शायद ये कानपुर का है, हाँ मुझे लगता है जहाँ तक कानपुर का है, जिसमें 3 दलित व्यक्ति रहते थे, उसका घर एक आमने सामने था, और जो पड़ोसी था उसका, वो एक्चुअल में उससे चलता था, चूँकि आन जात का था वो, मैं जात पात में भेदभाव नहीं रखा, लेकिन आपको एक स्टोरी हो जो सच्ची घटना पर आधारित आपको बात बता रहा हूँ मैं, वो बिल्डोजर वाली बात कही है ना आपने, सुनो ध्यान से,
कि उसका घर सामने था, वो व्यक्ति दूसरा वाला जो आन जात का था, वो उस दलित महिला दलित व्यक्ति की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था। ये लगातार 3 साल सिलसिला चलता रहा, न्यूज़ में भी छपा हुआ है ये। लेकिन नहीं हुआ ऐसा तो रात में तीनों को जो है गोली मार दी भाई साहब। तो ये हो रहा है, देखो दलितों के साथ ये हो रहा है, ये रिजर्वेशन है हमारे। ये देखो अब तुमने कही कि सरकार से पहले क्राइम नहीं था, आपने कहा था कि भाई बिल्डोजर चल रहे हैं। अब ये बताओ मुझे, उसका परिवार बिगड़ गया क्या? आप बताइए मुझे, किसी का घर 10 लाख का मान लो बना हुआ है, क्या आपकी जान या फिर मेरी जान की कीमत केवल 10 लाख रुपए की हो सकती है? आप बताइए, मेरी मतलब मेरा घर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, जमीन चली गई 20 लाख की गई, मैं तो मानूंगा 40 लाख की मेरी प्रॉपर्टी गई, लेकिन उस बंदे की जान देखो ना, वो करोड़ों रुपए कमाने वाला होता है या फिर कैसा ही होता, तो उसकी जान की कीमत कहाँ है ये तो बताओ मुझे। उन्हें केवल बिल्डोजर चलवा गया, ये ना बात की बिल्डोजर चल गई, उसका क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। अगर मान लो कि मेरे चार घर हैं, चार घर में से एक घर मेरा मोदी ही उड़ा देगा, तो क्या दिक्कत हो जाएगी ये तो बताओ मुझे। ऐसा ही वो बंदा सोचता है जिनने ये हत्या की थी। तो ये जो लोग जो हैं लगातार जो नीचे जात के लोगों उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि ये जो है उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन में खत्म नहीं होता ना, समय लगता है, लेकिन शुरुआत तो हो सकती है उसकी कम होने की, पक्का हो सकती है। कम हुए नहीं है, बीजेपी सरकार आई है तब से कम हो गए हैं। कहां से हुई है आप मुझे ये तो बताओ, लगातार कैसे? देश की सरकार में ज्यादा था क्राइम। देखो उसकी सरकार, उनकी सरकार का मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन उस समय चोरियां ज्यादा थी। लेकिन अब भैया चोरियां हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटियों के साथ रेप नहीं हो मेरी बहन, ये आप बात को समझिए आप। क्योंकि मीडिया इस चीज़ को तो दिखाएगी नहीं, वो तो केवल पाखंडवाद को दिखाएगी, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री को, और पाखंडवाद को दिखाएगी तो भैया पाखंड लोग बनते जाएंगे, पाखंडवाद में चलते जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडवाद नहीं फैला रहे हैं, और क्या? तो देशभक्ति लोगों को सिखा रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वो ये देशभक्ति है उनकी कि किसी महिला को देख करके वो ये कहते हैं अगर उसकी मांग में सिंदूर है कि वो प्लॉट रजिस्टर है, तो क्या ये उनका वो है? आप ये बताइए, ये बच्चे कभार गलती हो जाती है। अरे बहुत बढ़िया बात, धीरेन्द्र शास्त्री की मैं गलती मानता हूँ, ठीक है। एक वीडियो में उसने खुद कहा है कि मैं बाबा नहीं हूँ, ढाबा हूँ, क्योंकि जब बच्चा मजाकिया अंदाज है तो मजाकिया अंदाज में वो लोगों को चूतिया बना रहे हैं, बात खत्म। ये समझो ना, जनता नहीं समझ रही मेरी बहन इस चीज को। ऐसे ही लाखों की भीड़ जा रही है उनके पास। बहुत अच्छी बात, देखिए लाखों की भीड़ क्यों जाती है? समस्या को लेकर के, पक्का ना? समस्या को लेकर के। अब वो बाबा जो है समस्या बीमारियों के इलाज हो जाते हैं। अरे कहाँ से हो जाते हैं ये बताइए मुझे, अगर कैंसर है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, बाबा के पास जाऊंगा, ये तो बता दो मुझे। इलाज कर देते हैं तभी लोग। अरे वो कद्दू इलाज कर रहे हैं, मुझे ये बताओ, वो केवल बीमारी बता देंगे मेरे कहने से। अगर मान लो कि बीमारी बता देंगे तो उसका तोड़ कहाँ है, तो हमें उसके पास जाने से फायदा क्या है ये तो बताओ? तोड़ तो मिलता नहीं है उसके पास, बस यही सुनने को मिलता है कि ये है वो, तो हमें पता ही है। बच्चे उनके पास चलने लग जाते हैं। अब तो डॉक्टर भी कहता है कि मतलब डॉक्टर भी कहने लगता है कि आपको ये बीमारी है। बड़े क्रिकेटर उनके पास जा रहे हैं, पॉलिटिशियन जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर भी कहता है हाथ पहचान के नब्ज बन के कि भी तुम्हें ये बीमारी है, तो वो बाबा क्यों नहीं बता सकते, बता सकते? अब बाबा की सच्चाई ये भी है कि उसके तरह एक सुहानी शाह है, आपने देखा होगा जरूर आई होप, तो सुहानी शाह भी तो मैजिशियन है, तो मैं क्या इस बाबा को मैजिशियन मानूं? वो मैजिशियन है, लेकिन ये जो है लोगों का भविष्य बता देते हैं। अच्छा अब मैं आपको एक और भविष्य दिखाऊं, आप अबाउट में चेक करिए, इसमें लिखा है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, आपकी कृपा होगी, ठीक है। अलग ये चैनल भारत के आगे, भारत के देश को आगे बढ़ाना और सनातन धर्म हिंदू धर्म के हिंदुत्व का प्रचार करना है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, केवल मतलब इसका ये है कि ये असलियत नहीं है दीदी, ये असलियत नहीं है, वो केवल धर्म का प्रचार कर रहे हैं। में आजादी मिलती है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की। मैं मानता हूँ, लेकिन किसी को झूठे जाल में फंसा करके ये किस तरीके से आप मतलब प्रचार कर रहे हो अपना? संविधान आजादी देता है कि नहीं? अरे देता है, वो सब कुछ देता है, फ्रीडम देता है मुझे बोलने की, सब कुछ देता है, लेकिन आप इस चीज को देखिए ना, वो लोग दिखाते हैं तो इस चीज से थोड़ी नहीं कि कोई मतलब मरी जाएगा उनके पास लेकर के कोई केस, तो वो उस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। कौन मर गया है धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में? कौन मर गया है उनके हिंदुत्व के बाद? मैं हिंदुत्व के बाद की बात कर रहा हूँ, जो फर्जीवाड़ा काट रहा है ना वो बाबा, तो वो अपने आप को समझता है ना कि मैं ही मतलब भगवान हूँ? हम भगवान के भक्त हैं, वो खुद को देवता नहीं बताते, कहते हम भगवान के भक्त हैं। अरे ये तो देखो, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं किसी हिंदू धर्म का वो नहीं कर रहा कि मैं विरोध करूँ, ये करूँ, वो करूँ, लेकिन हिंदू धर्म के नाम पर विरोध नहीं होना चाहिए, ये बात है। हिंदू धर्म के नाम पर लोगों के साथ में वो नहीं होना चाहिए फर्जीवाड़ा, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि वो बंदा फर्जीवाड़ा कर रहा है। तो ये है सोनू आजाद और अपनी बातों को पूरी खुल कर रखते हैं। तो ये है सोनू आजाद, अपनी बातों को खुल कर रखते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। इनकी पूरी बातचीत आपने सुनी, पूरी बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज।